हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार माय हिंदी स्टोरी से। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट्स के बारे में कि वेबसाइट की इंडेक्सिंग कैसे लाई जाए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताई है कि मैं एक PHP डेवलपर हूं और मैं एक अच्छी रेपुटेड कंपनी में भी हूं। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मेरी वेबसाइट है, मैंने वेबसाइट बनाई, क्या उस पर व्यूज या वास्ट टाइम से मेरा पेज गूगल की इंडेक्सिंग में आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वेबसाइट बना लेते हैं लेकिन हमारी इंडेक्सिंग में वेबसाइट नहीं आती। और कुछ लोग बोलते हैं कि इंडेक्सिंग में पेज भी आ गया, फर्स्ट पेज पे आ गया कि फर्स्ट पेज पे थर्ड पोजीशन पे हमारा पेज है, लेकिन उसमें कुछ और ही डिटेल्स दिखा रहा है। वो जो डिटेल्स हम चाहते हैं वो डिटेल्स उस वेबसाइट के नीचे नहीं आ रही। तो दोस्तों, आज मैं बताऊँगा कि वो डिटेल्स जो उस पेज में सबसे जो भी आपकी वेबसाइट है उसका अगर आपका फर्स्ट पेज पे दिखाई दे जाती है तो उसके नीचे जो कंटेंट आप शो करना चाहते हो वो कंटेंट शो क्यों नहीं हो रहा, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो उसी के साथ चलो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मान लो आपके पास कोई वेबसाइट है, आप ब्लॉग चला रहे हो या कुछ चला रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपने वर्डप्रेस में या PHP के अंदर वो वेबसाइट बनाई होगी। और फिर आप इंडेक्सिंग के लिए हो सकता है कि मार्केटिंग वगैरह भी करते हो या दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी आपकी वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आ रही, तो क्या करेंगे। जब भी आप कोई भी वेब पेज बनाते हो तो उसका सबसे पहला पेज जो होता है वो index.php या index.html या default.php या default.html के नाम से होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप SEO का कैसे यूज करें। आपको उसके लिए सबसे पहले वीडियो के जो HTML के बाद हेडर टैब आता है, HTML का जो हेडर टैब आता है, वहां पे आपको अपने SEO टैग लिखने पड़ेंगे। वहां पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी मेटा टैग। मेटा टैग में क्या होता है कि वहां पे डिस्क्रिप्शन होता है कि आपकी वेबसाइट किस चीज के बारे में है, और उसके बाद आता है कि कंटेंट किस तरह का है, तो कीवर्ड्स क्या है आपके, वो वहां पे सबसे ज्यादा मैटर करता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जितना कुछ लिखोगे वही आपके, अगर गूगल के पेज में मान लो आपकी वेबसाइट आती है सेकंड पोजीशन के ऊपर, तो उस डिस्क्रिप्शन में जो आप लिखोगे वो उस वेबसाइट के नाम के नीचे दिखाई देगा। अगर आपने डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा, और कोशिश कीजिए जब आप HTML या डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखने के बाद, HTML का टैग लगाने के बाद, वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले वहाँ टाइटल वगैरह कुछ मत डालो, सबसे पहले मेटा टैग डालो। मेटा टैग डालने के बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन सबसे पहले लिखो। अगर आपको उस URL के अंदर सर्चिंग में जो आपका नाम आ रहा है वेबसाइट का, उसके नीचे जो कुछ शो करना है, तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जो कुछ लिखोगे वही आपका उस URL के नीचे शो होगा। उसके बाद आता है कंटेंट कि आप किस तरह की सर्विस देना चाहते हो। अगर आप उसके अंदर कोई इमेज का URL दोगे, तो जैसे आपके गूगल की सर्चिंग में जब आप वेबसाइट को सर्च करोगे और वेबसाइट मान लो फर्स्ट पेज के सेकंड पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, उसके नीचे इमेज दिखाई देगी। जैसे कुछ सर्चिंग के बाद दो तीन इमेज दिखाई देती है, वो इमेज ऐसे ही आती है कि आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद जो आता है कंटेंट में इमेज के URL दे दो तीन जो आपके खास प्रोडक्ट है, तो वो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे गूगल के सर्चिंग में। उसके बाद जो आता है आपका आता है कीवर्ड्स, उसमें कीवर्ड डालो। आपकी वेबसाइट के जो खास प्रोडक्ट है उसको गूगल पे सर्च करो, उससे रिलेटेड जितने भी सुगेशंस वर्ड वहाँ पे आते हैं उन सभी को कॉपी करो और उनको वहाँ कीवर्ड में डाल दो। उससे बनेगी आपकी SEO काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन से आपका जो वहाँ पे डिटेल होगी वेबसाइट की वो शो होगी। और उसके बाद जो आता है कंटेंट, कंटेंट में अगर आप इमेज दिखाना चाहते हो तो इमेज लिख दो, या प्रोडक्ट के बारे में दिखाना चाहते हो, जैसे आप मोबाइल सेल करते हो तो दो तीन मोबाइल की इमेज दे दो और स्पैम लिख के उनके बारे में डिटेल डाल दो, तो वो वहाँ पे शो होगा। अब आता है कि ये चीज़ करने के बाद आपको जो सबसे लास्ट राउंड है वो करना पड़ेगा कि आपको उस साइट का जो आप वेबसाइट बना रहे हैं उसका आपको साइट मैप जनरेट करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन काफ़ी वेबसाइट ऐसी हैं जो साइट मैप जनरेट करते हैं, तो साइट मैप जनरेटर नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके अपने वेबसाइट का URL डालो और वो आपका साइट मैप जनरेट कर देगा। साइट मैप जनरेट करने के बाद आप गूगल के वेब मास्टर टूल में जाओ, वेब मास्टर टूल में डालने के बाद साइट मैप वहाँ पे डालो। 24 घंटे के बाद गूगल उस साइट मैप को रीड करेगी। रीड करने के बाद 24 घंटे के बाद जो आपने डाला है वही आपके सर्चिंग के अंदर वहाँ पे आ जाएगा और आपकी वेबसाइट एक अच्छा रिस्पॉन्स उठाएगी। तो ये होता है कि वेबसाइट को कैसे अच्छी रैंकिंग पे लेके आए, कैसे डिटेल डालने के बाद डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिखाई देते हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन के नीचे इमेज दिखाई देती है,
और कैसे सर्चिंग बनती है, कैसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग SEO का यूज़ कर सकते हो, तो ये सभी इसी तरह से होता है। तो दोस्तों ये है आज का टॉपिक और इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो कोशिश कीजिए कि नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल बटन है, बटन पे क्लिक कीजिए और उसको एक्टिवेट कीजिए ताकि आप आने वाली हर वीडियो को देख सकें, हमारे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो हम लेटेस्ट वीडियो डालते हैं वो आपको सबसे पहले पहुँच सके, और हो सके तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलने की। धन्यवाद।